नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस सुपरहिट साबित हो रही है। आज इसी की बात करेंगे कि दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस को लोगों ने किस तरह से हाथों हाथ लिया है, और दूसरी ट्रिप जो बुधवार को यानी कि कल शुरू होने वाली दरभंगा से, वो कंफर्म टिकट आपको नहीं मिलेगा। स्लीपर और थर्ड एसी में कंफर्म टिकट नहीं है, वेटिंग चला गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यात्रियों ने कैसे हाथों हाथ इस ट्रेन को लिया है। और लगातार दरभंगा की तरफ से जो ट्रेन ये चल रही है, वो अब जो है वो पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है और ट्रेन की बुकिंग धड़ाधड़ हो रही है। तो देखिए, ये दरभंगा से अजमेर की जो टिकटिंग हुई है उसके बारे में आपको बता दें, ये 27 तारीख में, देखिए वेटिंग अभी 98 चल रहा है। ये स्लीपर में वेटिंग 98 चल रहा है, जबकि यही स्लीपर जो अगली ट्रिप 3 अगस्त की होगी वो 146 है, अवेलेबल है, 146 अवेलेबल है, यानी कि 720 में 146 अवेलेबल है। 10 तारीख को, 10 अगस्त को 537 है, तो वो भी आगे फुल हो जाएगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। इसी तरह से अगर थर्ड एसी की बात करें, कल की 27 तारीख की, ये भी वेटिंग लिस्ट में चला गया है 3। उसके बाद 3 अगस्त की है अवेलेबल 102, ये आपको बता रहे हैं थर्ड एसी की। 10 अगस्त को 141। इसी तरीके से आप सेकंड एसी भी देख लीजिए, उसमें भी बुकिंग होनी शुरू हो गई, हालांकि शुरुआत में नहीं हुई थी लेकिन अब शुरू हो गई है। 27 यानी कल सिर्फ 34 सीट बची हुई है, अवेलेबल है। 3 अगस्त को 64 और 10 अगस्त को 53 सीट अवेलेबल है। तो देखा आपने, दरभंगा से अजमेर की ये टिकट आपको दिखा रहे हैं, और अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि वापसी में जो है वो भी रफ्तार पकड़ रही है अजमेर की तरफ से। हालांकि उस रफ्तार से नहीं पकड़ रही जिस तरह से दरभंगा की तरफ से पकड़ रही है, लेकिन उधर से भी बुकिंग शुरू हो गई है और संतोषप्रद दिखाई दे रही है। जैसे स्लीपर में अभी 434 टिकट जो है वो अवेलेबल है। कल की अगर आप वापसी की बात कर रहे हैं, 4 अगस्त में 400 टिकट है, और उसके बाद 11 अगस्त में 563 टिकट है। हालांकि उस हिसाब से देखा जाए कि 720 टिकट है, उस हिसाब से इसने भी रफ्तार पकड़ी है। इसी तरीके से थर्ड एसी में देखा जाए 28 तारीख को तो 79 टिकट अवेलेबल है, 4 अगस्त को 97 है और 11 अगस्त को 110 सीट अवेलेबल है। इसी तरह से आपको सेकंड एसी का भी दिखा देते हैं चार्ट, क्या स्थिति है। 28 तारीख को 48 सीट अवेलेबल है, 4 अगस्त को 54 सीट अवेलेबल है, 11 अगस्त को 54 सीट अवेलेबल है। तो उधर से देखा जाए तो उतनी ज़्यादा वो नहीं दिखाई दे रही है बुकिंग में, वेटिंग वगैरह में नहीं आया है, लेकिन इधर से दरभंगा से देखा जाए तो वेटिंग में चली गई है, जिससे पता लग रहा है कि इसकी मांग वो व्यवहारिक थी और आने वाले दिनों में इस ट्रेन को जो है रेगुलर किया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि रेलवे को देखना होगा कि वो वापसी को भी काउंट करता है या नहीं, लेकिन एक तरफ से जब दरभंगा से दिखाई दे रहा है कि वेटिंग में चला गया है, तो इससे पता चल रहा है कि इस ट्रेन की वायबिलिटी है। हालांकि इसकी जो समय सीमा है उसको और घटाया जा सकता है, इसकी रफ्तार को और बढ़ाया जा सकता है, समय कम लिया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है, और चूँकि ये ट्रेन काफ़ी दिनों के बाद लौट रही है, इसलिए लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें ज़्यादा हैं इस ट्रेन से। इसलिए अगर इस ट्रेन को जो है वो स्पीड अप किया जाए, इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, तो ज़्यादा और पॉपुलर हो सकती है। तो फिलहाल तो अच्छी खबर यही है कि दरभंगा अजमेर जो एक्सप्रेस है, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, मथुरा और राजस्थान, ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही संजीवनी साबित हो रहा है, वरदान साबित हो रहा है इस पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए, और आने वाले दिनों में ये उम्मीदों के नए द्वार खोलेगी, ये भी कंफर्म दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रक्सौल, हमारे सही भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।